दोस्तों, आज चलो हम लोग ऐसी जानकारी लेते हैं जो सभी का मामा है, यानी चंदा माँ। चंदा माँ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चंदा माँ का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु को आकर्षित किए हुए, इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण बल दो बातों पर निर्भर होता है, एक वस्तु के द्रव्यमान और दो उनकी बीच की दूरी। दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्व बल उतना ही अधिक होता है जितना उनका द्रव्यमान अधिक होगा, लेकिन इनके बीच की दूरी जितनी अधिक होगी बल कम होता जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दो गुना कर दिया जाए तो उनके बीच में लगा गुरुत्व बल एक चौथा ही रह जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में लगभग 81 गुना है और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्व बल धरती की तुलना में केवल छठा हिस्सा रह जाता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर मनुष्य का वजन पृथ्वी की तुलना में घटकर छठा भाग हो जाता है। यदि कोई मनुष्य पृथ्वी पर 1 मीटर उछल सकता है तो वही मनुष्य चंद्रमा की सतह पर 6 मीटर ऊंचा उछल सकेगा। इस प्रकार चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर यदि कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाए तो वो पृथ्वी की तुलना में 6 गुना अधिक ऊंची जाएगी। चंद्रमा का गुरुत्व बल कम होने के कारण वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। कम गुरुत्व बल के कारण वायु के अणुओं पर कम बल लगता है, इसलिए वे चंद्रमा के वातावरण में रुक नहीं पाते। चंद्रमा के गुरुत्व बल का प्रभाव हमारी धरती पर भी पड़ता है। इस गुरुत्व बल के कारण समुद्र का पानी ऊपर की ओर खींचता है, जिसे समुद्र में टाइडल्स यानी ज्वार आते हैं। इस तरह चंद्रमा का गुरुत्व बल कार्य करता है। दोस्तों, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार हम लोगों ने जाना। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।